नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने 55 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार में फिल्मों की शूटिंग के लिए आएंगे मुंबई के प्रोडक्शन हाउस। पहली बार गंगा के बाहर का पानी पीने के लिए होगा इस्तेमाल। बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार का नया प्लान। रैंकिंग में नंबर 1 पर बरकरार सूर्य कुमार यादव। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने 55 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ड्रग इंस्पेक्टर के कुल मिलाकर 55 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, फार्माक्यूटिकल साइंसेज और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पास होने के साथ ही वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन की तारीख 25 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। चंडी स्थान इस वजह से है बेहद खास। मुंगेर के पूर्वोत्तर कोने चंडी स्थान मुंगेर शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। एक सिद्धिपति होने के नाते चंडी स्थान को सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है, जो गुवाहाटी के निकट कमकती मंदिर के रूप में महत्वपूर्ण है। पौराणिक कहानियां कहती है कि यह भगवान शिव के गुस्से से दुनिया को बचाने के लिए था, क्योंकि शिव ने सती लाश को ले लिया और तंद्रा मुंद्रा से नाचने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी हिल गई और पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा 52 टुकड़ों में सती की लाश को खंडित कर दिया था। ऐसी मान्यता है कि यहां आने वाले लोगों की सभी मनोकामना मां पूर्ण करती है। मुंगेर ही नहीं बल्कि बिहार व भारत से यहां श्रद्धालु आते हैं। मां चंडिका देवी के भक्त विदेशों में भी है। दुर्गा पूजा के अवसर पर वे यहां भी जरूर आते हैं। पहली बार गंगा के बाहर का पानी पीने के लिए होगा इस्तेमाल। बिहार में मौजूद पर्यटन के केंद्र को पीने के लिए एक स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा के बाहर के पानी को पीने लायक बनाने की पहल की जा रही है। बता दें कि हर घर गंगा जल के तहत इस कार्य को पूरा किया जाएगा। बिहार में शुरू की जाने वाली यह देश की पहली परियोजना है, जिसमें मानसून के दौरान अतिरिक्त नदी के पानी को संग्रहित किया जाएगा और बाद में इसे पीने योग्य बनाकर लोगों को 365 दिनों तक उपलब्ध कराया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर में परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा, तो वहीं 28 नवंबर 2022 को गया और बोधगया में इस परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। इस योजना से हर साल लगभग 7.5 मिलियन लोग और तीर्थयात्री पर्यटकों को फायदा मिलेगा। शिक्षा विभाग का निर्देश, बालिकाओं को हिंदी, अंग्रेजी और गणित में करें माहिर। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से यह साफ निर्देश दिया गया है कि कक्षा 6, 7 और 8 में नामांकित बालिकाओं को नॉलेज एंड अवेयरनेस मैपिंग प्लेटफॉर्म के तहत हिंदी, अंग्रेजी और गणित में माहिर की जाए। वहीं इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके इसके लिए केजीबीपी के वार्डन एवं अंशकालीन शिक्षिका बालिकाओं के साथ मेहनत करेगी। जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि हफ्ते में शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन कम से कम बालिकाओं को 2 घंटे का अध्ययन कराया जाए और साथ ही शनिवार और रविवार को 5 घंटा बालिकाओं का अध्ययन कराया जाए। निर्देश में यह भी बताया गया है कि कार्यक्रम में विस्तृत रूपरेखा एवं KAMP NASTA के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक निर्धारित की गई है। बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार का नया प्लान। बिहार राज्य में बढ़ते बालू खनन और उससे होते राजस्व के नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा नया प्लान बनाया गया है, जिसके तहत अब वैसे जिले जहां सबसे ज्यादा बालू खनन के कार्य किए जा रहे हैं, उन जिलों के बालू ढोई जाने वाली सड़कों पर छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह निर्देश विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी के द्वारा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वैसे जिले जहां सबसे ज्यादा अवैध बालू खनन किया जा रहा है, उनमें पटना, सारण, भोजपुर, मधेपुरा और बांका जैसे जिले शामिल है। चले कि इस अभियान के तहत जो भी वाहन पुलिस के द्वारा जब्त किए जाएंगे उनसे बालू का 400 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा और साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
पहलवान शुभम कुमार बने बिहार केसरी। बीते दिन विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में बिहार केसरी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें कैमूर के पहलवान शुभम कुमार ने अपने नाम जीत दर्ज कर ली और बतौर पुरस्कार 14,000 रूपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और एक चमचमाती हुई हनुमान की गदा प्राप्त की। जानकारी के लिए बता दें कि सोनपुर मेला में इस कुश्ती कार्यक्रम का आयोजन डाक बंगला मैदान के द्वारा करवाया गया था। वहीं इस कुश्ती में शुभम कुमार से हारने वाले भोजपुर के पहलवान अमर कुमार को उप विजेता के रूप में चुना गया और उन्हें 9,000 की राशि समेत सोनपुर मेला कप प्रदान में दिया गया। वहीं दूसरी ओर पश्चिम चंपारण के सुमन कुमार यादव ने भी वहीं के शैलेश कुमार को हराकर बिहार केसरी का खिताब अपने कब्जे में कर लिया। उन्हें भी बतौर पुरस्कार 14,000 रूपए और कप प्रदान किया गया। इसके साथ ही उप विजेता शैलेश कुमार को 9,000 रूपए और कप प्रदान किए गए। बिहार प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों का ट्रांसफर। सामान्य प्रशासन अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। वहीं साथ ही कई जिलों के DTO के खाली पद को भी भरा गया है। जारी किए गए सूची में जिन अधिकारियों को तबादला किया गया है उनमें मृत्युंजय कुमार, नजर हुसैन, रविन्द्र कुमार, सुधीर कुमार, रजनीकांत, चंदन चौहान, अनिल कुमार दास, गणेश कुमार, हरिनारायण पासवान, शशि शंकर, शैलेंद्र कुमार दास, बाल मुकुंद प्रसाद, बालेश्वर प्रसाद समेत 12 अन्य ऐसे अधिकारी शामिल। वहीं सूची में यह भी जानकारी दी गई है कि वैसे अधिकारी या पदाधिकारी जिनका पदस्थापन नहीं किया गया है वे अपना प्रभार सौंप कर पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना में योगदान देंगे। अब स्कूली बच्चे भी बनेंगे हेरिटेज वॉक का हिस्सा। इस माह की 25 तारीख यानी कि कल से हेरिटेज वॉक की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि कल संस्कृति विभाग के तहत अब बिहार के स्कूली बच्चे भी बिहार की विरासत को बेहतर तरीके से देख समझ सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि हेरिटेज वॉक की शुरुआत बिहार राज्य विकास समिति के द्वारा कोरोना काल के समय 2019 में की गई थी, लेकिन उस दौरान इस वॉक का भाग केवल महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं बने थे, लेकिन इस बार इससे स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है। हेरिटेज वॉक का आयोजन 25 नवंबर को राजधानी पटना के बुद्धा स्मृति पार्क में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 6 दर्जन बच्चों के शामिल होने की संभावना है। ये सभी बच्चे निजी सरकारी स्कूलों के होंगे, लेकिन इसमें खास बात यह है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इसका आयोजन सड़क के बजाय बुद्धा स्मृति पार्क में किया जा रहा है। वहीं इस दौरान बच्चों के बीच क्विज भी किया जाएगा, जिसमें जीतने वाले बच्चे को पुरस्कार भी दिया जाएगा। बिहार में शराब की बोतलों से बनेगी कांच की चूड़ियां। बिहार सरकार के द्वारा एक नई कार्य योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके तहत अब मध्य उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा जितनी भी शराब की बोतलें जब्त की जाएंगी अब उसे नष्ट करके उसे कांच की चूड़ियों का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि मध्य उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी जीविका दीदी की महिलाओं को दिया गया है। इस योजना से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। अब जो भी शराब की बोतलें जब्त की जाएंगी उसे चूर्ण करके चूड़ियों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए एक यूनिट का भी निर्माण किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार जीविका दीदी इन कामों को अच्छे से कर सके इसके लिए उन्हें मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण भी दिया गया है। वहीं चूड़ी बनाने के लिए इकाइयों को स्थापित करने के लिए अब तक 1 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है। पंकज त्रिपाठी क्यों ठुकराते हैं साउथ फिल्मों के ऑफर। बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर पंकज त्रिपाठी के शानदार एक्टिंग की मांग इतनी बढ़ गई है कि अब उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर दिए जाने लगे हैं, लेकिन पंकज त्रिपाठी नहीं चाहते कि वे साउथ की फिल्मों में काम करें। बता दें कि गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मीडिया से बातचीत करते हुए पंकज त्रिपाठी ने इसके पीछे का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि भाषा मेरे लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन मैं हिंदी सिनेमा को प्राथमिकता देता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हिंदी के साथ सहज हूं, मैं उस भाषा को समझ हूं, उसकी भावनाओं को, बारीकियों को बेहतर से समझता हूं। हॉलीवुड को भूल जाइए, मुझे तेलुगु और मलयालम फिल्म मेकर से ऑफर मिले हैं, पर मुझे लगता है कि मैं उन फिल्मों के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वो भाषा नहीं बोल पाऊंगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गोनू झा की। गोनू झा भरवड़ा ब्लॉक सिवाड़ा दरभंगा बिहार के एक मैथिली ब्राह्मण थे। उनकी कहानी मिथिला क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गोनू झा की गणना बिरबल, गोपाल बाड़, तेनाली राम तथा मुल्ला दो प्यादा के समक्ष की जाती रही है, किंतु कई बातों में उनका अपना अलग व्यक्तित्व भी रहा है और वह था उनका फक्कड़पन। आर्थिक मानसिक परेशानियों में भी वह कभी विचलित नहीं होते थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बड़ी सहजता से ग्रहण करना उनकी विशेषता थी। जनश्रुति
जानकारी के अनुसार गोनू झा का जन्म दरभंगा जिला के अंतर्गत भड़ौरा गांव में लगभग 500 वर्ष पूर्व एक गरीब किसान परिवार में ऐसे समय हुआ था जब धर्मधता और रूढ़िवादिता का बोलबाला था। बिहार में गोनू झा की रोचक कथाएं जन जन की जुबान पर उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार मिथिला कोकिल विद्यापति के सुमधुर गीत सभी के कंठहार बने हुए हैं। डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया में हुआ बदलाव। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। अब अभ्यर्थी सत्र 2022-23 में 3 बार कॉलेज चयन कर सकते हैं। वहीं अगर कॉलेज बोर्ड के द्वारा आवंटन कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी अपने मन के अनुसार 3,000 रूपए जमा करके स्लाइड अप कर कॉलेज बदल सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड के द्वारा एडमिशन प्रक्रिया में इसलिए बदलाव किया गया है ताकि सत्र 2022-24 में एडमिशन के लिए निजी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज विद्यार्थी से अपनी चाहे पैसों की डिमांड न कर सके। बताते चले कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन की तारीख 23 नवंबर तक निर्धारित की गई थी। वहीं वैसे विद्यार्थी जो स्लाइड अप प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे भी 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अब हर महीने तैयार होगी सुस्त शिक्षकों की रिपोर्ट कार्ड। राज्य सरकार की ओर से एक व्यापक योजना तैयार की गई है जिसके तहत अब सुस्त शिक्षकों की भी रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी। बता दें कि इस रिपोर्ट कार्ड में उनके आने जाने का लेखा जोखा रहेगा जिसके आधार पर ही इन शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को कार्यान्वयन का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा गया है जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब सुस्त शिक्षकों की नहीं चलेगी। अगर कोई शिक्षक बगैर जानकारी दिए विद्यालय से गायब रहता है तो वैसे शिक्षकों की गायब रहना स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। बताते चले कि हर महीने शिक्षकों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिस दौरान उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। अगर शिक्षक की ओर से दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं रहता है तो उनके वेतन में कटौती कर दी जाएगी। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। हवा नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 14 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और यह 28 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 26% रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात के तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बिहार के चर्चित सृजन घोटाले में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। बिहार के चर्चित सृजन घोटाले को लेकर सीबीआई के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है जिसके तहत सीबीआई की टीम पटना से भागलपुर पहुंच चुकी है। बता दें कि सीबीआई ने चर्चित सृजन घोटाला मामले के मुख्य आरोपी रजनी प्रिया और अमित कुमार के कई ठिकानों पर इश्तेहार चिपकाई है जिसमें तिलका मांझी थाना क्षेत्र के न्यू विक्रमशिला कॉलोनी के अलावा कई ठिकानों पर इश्तेहार चिपकाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक रजनी प्रिया और अमित कुमार के 5 जगहों पर इश्तेहार चिपकाया जा चुका है। बता दें कि सीबीआई के द्वारा लोगों से यह अपील की गई है कि अगर ये दोनों कहीं भी उन्हें देखते हैं तो इसकी जानकारी सबसे पहले स्थानीय थाना को दी जाए। बिहार में फिल्मों की शूटिंग के लिए आएंगे मुंबई के प्रोडक्शन हाउस। जल्द ही बिहार राज्य के भी आकर्षक लोकेशनों पर फिल्म की शूटिंग की जाएगी। बता दें कि बिहार में विंडो सिस्टम की सुविधा भी शुरू की जाएगी ताकि मुंबई के फिल्म निर्माताओं और प्रोडक्शन हाउस को शूटिंग की अनुमति लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और ये एक ही जगह से फिल्म शूटिंग के लिए जरूरी सारी अनुमति और सुविधा के लिए आवेदन कर सके। बिहार के कला सांस्कृतिक एवं युवा विभाग के द्वारा गोवा में चल रहे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान देश विदेश के कई प्रोडक्शन हाउस को आमंत्रित किया गया है। वहीं बिहार पवेलियन में बिहार के प्राकृतिक सौंदर्य, विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल, प्राचीन इमारतें जैसे कई दृश्य की जानकारी लोगों को बिहार की ओर आकर्षित कर रही है। एम्स पटना में हृदय, किडनी और न्यूरोलॉजी में जल्द शुरू होगा इलाज। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के निदेशक के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि पटना एम्स को 42 नए डॉक्टर मिल चुके हैं जिसके बाद अब हृदय, किडनी और न्यूरोलॉजी विभाग में जल्द से जल्द इलाज शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्स में डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए रोलिंग विज्ञापन निकाली गई है जिसके तहत पहले चरण में 173 सीटों में से 42 डॉक्टर मिले हैं। बाकी बचे 91 डॉक्टर के सीटों को भी जल्दी ही भरा जाएगा जिसकी रिक्तियां दिसंबर तक पुनः अपडेट की जाएगी। वहीं इन सबके अलावा अब यहां कैंसर रोगियों के आज के लिए भी व्यवस्था को अपडेट कर दिया जाएगा जिससे यहां कैंसर रोगियों की भी सर्जरी की जाएगी। आदित्य ठाकरे के पटना पहुंचने पर तेजस्वी ने भेंट में दी बिहार की विशिष्ट पहचान।
बीते दिन बुधवार को शिवसेना नेता मुंबई से आदित्य ठाकरे बिहार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने आदित्य ठाकरे को भेंट के रूप में बिहार की विशिष्ट पहचान दी, जिसमें एक मिथिला पेंटिंग वाली शॉल शामिल है। बता दें कि शॉल को उड़ाकर तेजस्वी यादव ने आदित्य ठाकरे का बिहार में स्वागत किया। वहीं आदित्य के द्वारा भी तेजस्वी यादव को भेंट दिया गया, जिसमें परंपरागत महाराष्ट्र हथकरघा शॉल और शिवाजी की एक प्रतिमा शामिल है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि तेजस्वी यादव से मेरी हमेशा बातचीत होती रही है। नीतीश तेजस्वी मिलकर बिहार के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी उनसे अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें पर्यावरण, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं के इस भेंट में राज्य और देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई है। वहीं दोनों नेताओं की इस मुलाकात को भविष्य की राजनीति यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं तेजस्वी से मुलाकात करने के बाद आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास में पहुंचे। ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। दरअसल जदयू के जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान श्रवण कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के कारण ही बिहार से मजदूरों का पलायन होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र से आग्रह किया कि वे 12 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखे, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 2.5 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य दिया और इसे प्राप्त कर लिया है। अब स्थिति यह आ गई है कि बिहार के मजदूरों के पास काम नहीं है और यही वजह है कि यहां के लोग पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। इसके साथ उन्होंने बताया कि हम लोग लगातार केंद्र सरकार को पत्र भी लिख रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार की केंद्र सरकार उपेक्षा कर रही है। महागठबंधन में रहकर लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे नीतीश, आरसीपी सिंह। बीते दिन बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में रहकर चुनाव लड़ते हैं तो वो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। इसके साथ ही आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने का अपना प्लान भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी को आरजेडी में विलय कर देती है तो हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ सीट जीत जाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे राजनीति में आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। अब नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा नहीं बची है। आरसीपी सिंह ने कहा कि अगर आरजेडी और जेडीयू आपस में विलय हो जाती है तो लोकसभा में कुछ सीटें अपने नाम कर सकती है। जेडीयू का दावा, 70 लाख लोग बने पार्टी के मेंबर। जेडीयू के द्वारा एक नया दावा किया गया है। दावा में कहा गया है कि जेडीयू से पिछले 2.25 महीने में कुल 70 लाख लोग जुड़े हैं, जो कि 2019 की तुलना में लगभग संख्या में 30 लाख अधिक है। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जेडीयू में केवल 40 लाख लोग ही सदस्य थे। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया है कि 70 लाख सदस्यों में से प्रत्येक स्वर्ग में 60% से अधिक संख्या युवाओं की है। बता दें कि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 27 नवंबर को किया जाएगा, लेकिन इस चुनाव से पहले 51 संगठन जिला में से 42 नव निर्वाचित जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन पीडीए अधिकारी की ओर से जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है। रैंकिंग में नंबर 1 पर बरकरार सूर्य कुमार यादव। भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अपने नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। बता दें कि इस बात की जानकारी आईसीसी द्वारा जारी की गई है। T20 क्रिकेट की ताजा रैंकिंग के अनुसार है। जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य कुमार यादव ताजा रैंकिंग में वह अपने करियर में बेस्ट 895 पॉइंट पर पहुंच गए हैं। यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ पॉइंट है जो किसी भी भारतीय खिलाड़ी के द्वारा हासिल किया गया है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर विराट कोहली थे, जिन्होंने 897 पॉइंट हासिल की थी। वहीं इस लिस्ट में सूर्य कुमार यादव के बाद तीसरे नंबर पर 836 पॉइंट के साथ मोहम्मद रिजवान बने हुए थे। चौथे नंबर पर 788 पॉइंट के साथ डेवॉन कॉनवे है। वहीं पांचवें नंबर पर 778 अंकों के साथ बाबर आजम है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का 1859 में प्रकाशन। नेशनल राइफल एसोसिएशन का 1871 में गठन। तमिलनाडु विधानसभा में 1986 में पहली बार एक साथ विधायकों को सदन से निष्कासित किया गया। डिप्टी कमिश्नर बनने वाले पहले हिंदुस्तानी कवासाजी जमासेठ जी पेटीगढ़ा का जन्म 1877 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में हुआ। भारत के प्रमुख मुस्लिम राजनीतिज्ञों में से एक
तथा बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल मोहम्मद सफी कुरैशी का जन्म 1929 में हुआ। असम की प्रसिद्ध मुस्लिम महिला राजनीतिज्ञ तथा वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर का जन्म 1936 में हुआ। प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर का जन्म 1944 में हुआ। सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर का निधन 1675 में हुआ। हिंदी फिल्मों की मशहूर कॉमेडियन उमा देवी खन्नी का जन्म 2003 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के एक नए नियम के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के एक नए नियम के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि डीएलएस न्यूज नामक एक यूट्यूब चैनल के एक थंबनेल में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार 24 घंटे के लिए सभी सिम कार्ड बंद रहेंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा भ्रामक है। केवल सिम स्वाप या रिप्लेस करने के लिए जारी किए गए नए सिम कार्ड की एसएमएस सेवा शुरू के 24 घंटे बंद रहती है। अब बिना आधार कार्ड के भी खुल जाएगा बैंक अकाउंट। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई केवाईसी का विकल्प पेश किया है। पहले बैंक अकाउंट को खोलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप केवल अपना फेस वेरिफिकेशन करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है जो ऑथेंटिकेशन का ध्यान रखती है। इसकी वजह बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स को अब अकाउंट खोलने के लिए स्मार्टफोन के अलावा किसी और चीज या डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। या केवाईसी सुविधा एआई या एमएल आधारित फेस ऑथेंटिकेशन आरडी एप्लीकेशन का उपयोग करती है जो आधार में कैप्चर की गई इमेज के साथ व्यक्ति की फोटो को क्रॉस चेक करके धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने में मदद करती है और सुरक्षित कस्टमर ऑनबोर्डिंग की अनुमति देती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विकास चंद्र ठाकुर, श्याम कुमार, रंजीत कुमार ठाकुर, नुन्नू गोलू कुमार, मनोज कुमार, जलाल ठाकुर, अनवर करीम खान, मुतुर रंगीला, अखिलेश यादव, कविता कुमारी, प्रिंस यदुवंशी, सदुल्लाह पलवी, घनश्याम चौधरी, विकास कुमार, मंटू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार हर घर गंगा जल योजना से लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराना कितना सफल हो पाएगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।